नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में। 5 अप्रैल 2024 की एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी एक दिन मैं वादा किया था आप लोगों को कि मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखा हूँ, जो उसको नाम भी मैं ही दिया हूँ, क्योंकि मुझे एक इंटरेस्टिंग टाइप की कैंडलस्टिक दी जाती है, एक साइड बाई साइड किसी तरह से। वो मतलब देखने से ही बहुत सबसे अलग दिखती हैं यार, मतलब सबसे अलग वो कैंडल दिख जाएंगी आपको। या तो बड़ी रहेंगी या छोटी भी कैंडल रहेंगी, तो एक साइड से लेके नॉर्मल बड़ी रहती हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले तो ये छोटी सी जो खबर निकल के सामने आई है, इसको देख लेते हैं। बाकी आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इसमें। इसमें आज भी 4 करोड़, यहाँ पे देखिए 4,74,86,900 33 इक्विटी शेयर आज भी ट्रेड हुए हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड में। और मतलब भाई इतने में ब्लास्ट डील भी कई सारे देखने के लिए मिले, इतना वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, बहुत दिन से इतना वॉल्यूम ट्रेड होता है और नॉर्मल इसमें होता है इतना ट्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, पहले सबसे न्यूज़ ही देख लेते हैं। न्यूज़ पे यहाँ पे क्या कंपनी बता रही कि हम इसके साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो रजिस्टार हैं और शेयर ट्रांसफ़र इनके एजेंट हैं, RTA मतलब रजिस्टार ट्रांसफ़र एजेंट, प्रदान किए गए सेवी डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट विनिमय 2018 के विनिमय 74.5 के अनुसार पुष्टिकरण का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। अब ये होता क्या है, देखिए जब कोई भी रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाता है, किसका शेयर कितना है, कितना शेयर कितने का है, तो उसके लिए एक जो है प्रमाण पत्र चाहिए होता है। वो प्रमाण पत्र आप नहीं दे सकते, कंपनी वाले नहीं दे सकते, कंपनी वाले तो कुछ भी कह लें। तो उसी तरह से एक एडिटर रखा जाता है, वो इंडिपेंडेंट एडिटर भी होता है, उनका जो है फाइनेंशियल जो भी होता है कंडीशन, उसको जो है एडिट करता है कहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं तो कंपनी वालों के बस में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भी कर दें, किसी के पास कितना शेयर कैसे, तो इसीलिए सबको अपॉइंट किया जाता है ताकि सब कुछ वेरीफाई हो सके। अब ये लिंक इन टाइम वाले हैं जो रजिस्टार होते हैं, जैसे IPO IPO के लिए भी, बाय बैक राइट इशू के लिए, सबके लिए रजिस्टर, तो इनके पास ये होता है कि शेयर किसका किसके पास है, कितना किसने बेचा, कितना किसने खरीदा, ये सब देखने का कि अभी जो 2024 का ये मार्च वाला क्वार्टर का रिजल्ट, इसमें कितना कितना स्टेक किसके पास है, सबका शेयर लिस्ट है या नहीं है, किसी का अनलिस्ट है तो मतलब कि मतलब वो फिजिकल फॉर्म में है तो वो कितना है कैसे है, सब डाटा इन लोगों को इन्हीं लोगों को रखना पड़ता है, जैसे लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड वालों को, ठीक है ना, रजिस्टार को। तो उसी का वो पुष्टि मतलब देते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, हमने जांच परख लिया है, उसको एक तरह से सत्यापित कर देते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही है सेबी को, ठीक है ना। तो मतलब सत्यापित करके इनको देते हैं कंपनी को, ये सेबी को अपने देते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज को सूचित कराते हैं। तो इसी का एक अपडेट आया, बहुत बड़ा कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। आज 33 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए मिली है, जिसमें से मैं देख रहा था दो दो करोड़, दो दो करोड़, डेढ़ डेढ़ करोड़, डेढ़ डेढ़ करोड़ के कई सारे शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के भी यहाँ पे शेयर खरीदे गए हैं, तो इस तरह से। अब दोस्तों जो चार्ट पे मैं बताने वाला हूँ, 2 मिनट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में समझ आ जाएगा, कभी अगर आप लोगों का भी नज़र मेरे जैसे तेज रहेगा तो, ठीक है ना। अब देखिए इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे कि आप लोग समझते हो ना कि कई सारा मतलब ये जो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या फिर बुलिश इनगल्फिंग हो गया, डोजी हो गया, ये सब होता है ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो इनमें क्या होता है, दो तीन कैंडलों का कन्फर्मेशन होता है कि एक कैंडल में ये हुआ, दूसरी में ये हुआ, तीसरी में ये बन रहा है, तो इसका मतलब है कि तेजी आ सकता है। एक उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक ही होता है ना कि एक छोटी कैंडल बनी, अब बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग क्या है कि एक छोटी कैंडल बनी और उसको बड़ी कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, तो इसका मतलब है कि कल जो सेलर थे वो वीक हो पड़ गए, आज जो बायर थे वो मजबूत पड़ गए, तो उसके तेजी होगी आज की बार, बस यही ना होता है। तो सेम उसी तरह के एक लॉजिक पे ही बेस्ड मेरा भी कैंडलस्टिक है, और वो है आप लोग एक बार देखते होंगे, जो हैकर वैकर जब हम लोगों को कोई कोड बहुत डिकोड करना पड़ता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, उसमें से उनको नहीं दिखता है कि 4-5 ऐसे बड़े बड़े अक्षर आते हैं आँख के सामने दिखते हैं उसमें छांट के, उसी तरह से इस कैंडलस्टिक में भी आपको उसी तरह से बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल, 4 कैंडल एक पैटर्न में कैंडल दिखेंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे क्योंकि मिला है वहीं, इसीलिए मैं मुझे याद आ गया, वरना मैं बताने के लिए तो कई बार बताऊँ। देखिए आपको 3-5 कैंडल यहाँ पे मार्क करनी है, पहली कैंडल ये वाली हो गई,
दूसरी कैंडल ये वाली हो गई, तीसरी कैंडल ये वाली हो गई, चौथी कैंडल ये वाली हो गई और पांचवी कैंडल ये वाली हो गई। अब आपको ये वीडियो तो मैं अभी बना दे रहा हूँ, आपको अपने चार्ट पे जाना है, चाहे मोबाइल लैपटॉप जो भी आपके पास है सिस्टम, उस पर आपको इस चार्ट को ओपन करना है और उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या आपको एक पैटर्न में एक साइज़ की लगभग लगभग पाँच कैंडल नहीं दिख रही है? और ये पाँच कैंडल नहीं, तीन कैंडल हो ना तो भी चल जाएगा, तीन कैंडल के बाद ही ये हो जाता है कि इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप का बन रहा है। मतलब यह मैं देखिए, ये कैंडल बन गई, अब कैंडल तो कुछ कहेगी नहीं, कैंडल के नीचे जो भीतर जो हम इमोशन रहेगा उसी को पढ़ना होता है, जो अभी मैं बता रहा था कि डोजी का मतलब क्या होता हैमर का मतलब क्या होता है, वो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, तो वही लॉजिक यहाँ पे ही बैठ जाता है। अब ये जो पांच कैंडल बिल्कुल साइड बाय साइड एकदम एक जैसी बनी हुई है, एक जैसी, और यहाँ पे अगर सबका हाई मिला के और सबका लो मिला के एक ड्रॉ करोगे तो एक चैनल टाइप का व्यू जो हो गया, चैनल से मतलब नहीं है, ये ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत हो सकती है, उससे मतलब नहीं, लेकिन क्या ये आपको लग नहीं रहा है कि एकदम एकदम सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सेम एक जैसे ही सारी की सारी कैंडलें बन रही हैं, और जब भी एक कैंडल बन जा रही है उसका लो लगभग लगभग ब्रेक नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ से शुरुआत हुई है उसी का लो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब तक कि ये इसके नीचे प्राइस नहीं चला जाता तब तक समझ लीजिए कि ये प्राइस ऊपर के साइड में रहेगा। देखिए, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक हो, वो ये आपको गारंटी नहीं देता कि वहाँ से तेजी आएगी, बस वो आपको ये बताता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ तक का नीचे टारगेट हो सकता है, यहाँ स्टॉप लॉस, बाकी होने के लिए तो एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, जो भी आप पैटर्न आपको समझ में आता सब फेल होते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे है, मतलब जब तक कि ये शेयर 30 रुपये के नीचे नहीं चला जाता है तब तक इसमें तेजी तेजी तेजी, बस तेजी ही सोचना है, मंदी के बारे में सोचना ही नहीं है। अब इसी का अपोजिट मैं आपको तुरंत उदाहरण एक और दिखा दूँ, तो देखिए, अगर यहाँ पे तीन कैंडल ये बन गई, तीसरी कैंडल, देखिए ये पहली कैंडल बन गई, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, तो फिर बस यहीं पे हम लोगों को ले लेना है एंट्री, इसी के आसपास हम लोगों को एंट्री लेना है, तीसरी कैंडल क्लोज हो गई तो या बन गई तो भी क्लोज लीजिए। ये जो पहली वाली कैंडल है जहाँ से पैटर्न बनना मेन शुरू हुआ है उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लोगों को फॉलो करना है, और उसका आप चाहो तो डबल टारगेट रख सकते हो जितना नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब ये वाले हाई से लेके, अब इसको मैं लाइन ड्रॉ करके भी आपको समझाता हूँ क्योंकि आप लोगों को स्टॉप लॉस भी टारगेट चाहिए होता है ना। देखिए, यहाँ पे ये हम लोगों की क्लोज होती है कैंडल, यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई है, इसको हम पॉइंट से नाप लेंगे यहाँ पे, कि अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री लिए होंगे तो कितना हमारा स्टॉप लॉस लगता, तो हमारा स्टॉप लॉस लगता लगभग 20% के आसपास, तो मेरे हिसाब से इसमें आप लोग 40% का ऊपर की साइड में टारगेट रख सकते हैं, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना? जैसे आप लोग लिखित में पढ़ते हो ना कि ये कैंडल वो कैंडल, यहाँ पे इतना प्रॉफिट होगा वो इतना प्रॉफिट, ये कहीं पर लिखा नहीं है इस तरह से टारगेट, तो टारगेट अभी हम लोगों का कहाँ पर हो जाएगा, 52 रुपये के आसपास है, तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 52 रुपये, और अभी भी प्राइस लगभग उसी के आसपास ही है जहाँ पे जो कैंडल बनी थी। अब ये पाँच कैंडल बन गई है तो और बात है, चार कैंडल बनी थी तो और बात अच्छी थी, पांच कैंडल और अच्छी है, इसी के साइड में एक और बड़ी सी कैंडल बन जाए तो अलग, मतलब तीन कैंडल लगभग लगभग कम से कम होनी चाहिए। क्या ऐसा अभी इसमें और भी कहीं हुआ है? आप लोग देख के बताइएगा, हालांकि मैं एक और आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बता दे रहा हूँ। अब इसमें जो है ना, ये लॉजिक मैं इसके पीछे का पहले बताता हूँ, लॉजिक क्या होता है ना, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर कोई बड़ा हाथ किसी स्टॉक में अपना जो है हाथ आजमाता है या फिर एंट्री लेता है, तो सबसे पहले वो बड़ी कैंडल एक बना देता है, बड़ी खरीदारी वाली। अब वो जो जहाँ पे, और ऐसा नहीं कि यहीं पे खरीदारी हुई, इसके नीचे भी खरीदारी हुई, लेकिन जब मेजोरिटी जो क्वांटिटी एक ही बार एड नहीं होती है, क्योंकि सब शेयर होल्डर हैं, सभी लोग अपना अपना स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे स्टेक, तो जहाँ पे मेन क्वांटिटी एड हुई है, मतलब कि ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए बहुत बड़ा है, तो इस कैंडल के लो के आगे फिर से थोड़ा सा इंतजार करके वॉल्यूम ट्रेड हुआ, मतलब क्वांटिटी एड हुई, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्वांटिटी एड हुई, तो मतलब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि मेन जो बंदा घुसा है, जो मेन इन्वेस्टर है, उसकी मेन क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई है, और उसी के साइड में जो है बार बार वहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो रहा है, भले ही वो क्वांटिटी ऐड कर रहा हो ना करो, लॉजिक यही है कि वो अपने जो कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं होने दे रहा है और उसके ऊपर ऊपर से ही मोमेंटम आ जा रहा है, ठीक है ना? तो ये मेरा मेनली लॉजिक होता है, आप लोग समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं है। अब यही चीज़ नीचे के साइड में भी हो सकती है और यहाँ पे हुई भी है वही चीज़, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि हर बार उसका हाई ब्रेक हुआ है। देखिए बता देता हूँ, एक ये वाली रेड कैंडल देखिए
और उसके सटे हुए ही एक ये वाली रेड कैंडल देखिए, और इसी वाली कैंडल के तीसरी वाली कैंडल के भी सटे हुए ये कैंडल। अब ये तीनों कैंडल भी आप लोग रेड वाली कैंडल देखोगे लगभग लगभग एक साइज की हैं और एक पैटर्न में है, लेकिन ये कैंडल का जो है इस तरह से बना हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है मतलब ऊपर। अगर यही फॉर्मेशन इस तरह से हुआ होता तो ये गिरावट का, क्योंकि वो लोग अपना डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कैंडल का हाई है तो अगली कैंडल का हाई इससे भी ऊपर बन जा रहा है, उससे अगली कैंडल का मतलब हाई उसके भी ऊपर है, मतलब इसका ये लो है तो ये अपने लो को काट नहीं पा रहे हैं। ये वाला यहाँ पे मतलब पहली बार गिराए थे इतना, दूसरी बार उससे कम ही गिरा पाए, तीसरी बार उससे भी कम गिरा पाए, तो ये होता है मतलब कि ये काम नहीं करेगा, निगेटिव टाइप का हो गया, मतलब गिरावट का ही पैटर्न बन रहा है, मतलब ये वैलिड नहीं है ना, क्योंकि इसको इसको ब्रेक करा देना चाहिए था, इसको इसको ब्रेक करा देना चाहिए तब, जैसे कि हमारा ग्रीन के साइड में हुआ कि ये वाला हाई बना था, अगली बार फिर से जब क्वांटिटी ऐड किया बंदे ने तो यहाँ पे हो गया, एक ही बंदे को मान के चला, दूसरी बार उसी बंदे ने खरीदारी किया तो यहाँ तक लेके गया, चौथी बार यहाँ पे खरीदा तो यहाँ तक लेके गया, पहले बार यहाँ पे खरीदा था तो यहाँ पे, मतलब हर बार उसका हाई जो है चेंज होता जा रहा है। तो ये है ऊपर के साइड में और नीचे के साइड का, ये जो है वैलिड नहीं है, ठीक है ना, एकदम एक ही जगह पे दिखा रहा हूँ दोनों। अब इसी तरह का अगर आप लोगों को मैं और दिखाऊँ, देखिए इस तरह की एनालिसिस वाली वीडियो में ना ज़्यादा समय लग जाता है, लाइक करिएगा, देखिए इसमें अगर लाइक ज़्यादा नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा था कहीं पे कि इसी तरह की कैंडलस्टिक बनी हुई है, तीन कैंडल, ध्यान से देखने पे ही पता चलेगा, ऐसे तो बड़ी बड़ी कई सारी आपको कैंडल दिख जाएंगी, तो बड़ी कैंडल से मतलब नहीं है, ठीक है ना, बड़ी कैंडल से नहीं मतलब है, इंटरेस्टिंग कैंडल एक, वही नहीं बोल रहा हूँ कि हर 100 कैंडल में से वो तीन कैंडल आपको अलग दिखनी चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी है और एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और एक सेम टू सेम कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब इसमें भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, लो को भी तो मार्क करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल मतलब कोई भी पैटर्न ये तो नहीं गारंटी देगा कि आपको तेजी होगी, ये इतना गारंटी दे सकता है कि भाई मेरा लो जब तक ब्रेक नहीं होता ना, बिंदास आप खरीदारी करिए और मेरे लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस फॉलो करिए, जिम्मेदारी मेरी रहेगी ऊपर लेके जाने की, नहीं तो आपको इतनू सा इतनी सा छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा, टारगेट दूंगा तो इतना बड़ा सा टारगेट दूंगा, बस मेरे इस कैंडलस्टिक का मेन मकसद यही होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये लेवल पे आप लोग एंट्री लिए होंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो किए होंगे 20 रुपये के नीचे का, तो कभी भी प्राइस उसके नीचे नहीं गया और वहाँ से मोमेंटम बहुत बढ़िया आया है, तो इस तरह से होता है। अगर ढूंढेंगे तो और कई सारा इसमें इसी चार्ट पे उसी तरह का पैटर्न दिख जाएगा, लेकिन वही बात है कि नज़र रहना चाहिए, ठीक है ना, देखना चाहिए, आराम से देख लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर भाई लाइक करिए दबा के अगर पसंद आई है तो, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में।